Hello student, this is Mamta Gupta. Yesterday we have to complete our question number 13, 14, 15 and 16. Some question I were giving you in the homework. This question was Sankalan Vyakaran. Now we have done our next question, Dvandi Yog. सूत्र निखिलम उपसूत्र अनुरूपेण एंड एकाधिक इनपुट क्वेश्चन नंबर 17 आई एम डूइंग ऑन द ब्लैकबोर्ड यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन इज द्वंद योग इस क्वेश्चन में द्वंद योग से आपको स्क्वायर फाइंड करना है वी विल फाइंड स्क्वायर बाय द मेथड ऑफ द्वंद योग हियर क्वेश्चन 17 इज 362 फॉर सूत्र ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन द्वंद योग मेथड इज ए स्क्वायर आई विल राइटिंग फॉर्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल ए स्क्वायर ऑब्लिक आप एक कॉलम ब्लैंक छोड़ दें थर्ड कॉलम में बी स्क्वायर लिखें फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ आपको फाइव कॉलम बनाने फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट कॉलम ए स्क्वायर ब्लैंक द सेकेंड कॉलम राइट थर्ड कॉलम बी स्क्वायर राइट इन थर्ड कॉलम बी स्क्वायर ब्लैंक द फोर्थ कॉलम एंड सी स्क्वायर नाउ सेकेंड क्वेश्चन टू ए बी फोर्थ क्वेश्चन ए बी हमने यूज कर लिया वी विल यूज राइट हियर ए बी ऑन सिक्स एंड सी ऑन टू टू ए बी अब देखो ए बी आपने यूज किया तो क्या आएगा बी सी टू बी सी इन फोर्थ कॉलम एंड प्लस में थर्ड कॉलम में आ जाएगा आपके पास 2ac ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc एंड 2ac क्लियर नाउ वी विल पुट द वैल्यू 3 का स्क्वायर ऑब्लिक 2 इंटू ए इज 3 इंटू बी इज 6 ऑब्लिक बी इज 6 सो 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इज 3 एंड सी इज 2 हियर 2b 6 6 इंटू सी इज 2 ऑब्लिक 2 का स्क्वायर नाउ वी विल सॉल्व इन दिस क्वेश्चन 3 का स्क्वायर 9 6 3 जा 18 18 2 जा 36 36 प्लस 3 2 जा 6 6 2 जा 12 ऑब्लिक 6 2 जा 12 2 जा 24 2 2 जा 4 48 24 और 0 4 All the digits have two digits, ones and unit place and tens place. So I am writing here 09 and 04. Now our answer will be 4. 0 jump hoga is 4 ke paas to 4. 8 or 2, 10 ka 0, carry 1. 5 or 6, 11 ka 1, carry 1. 4 or 9, 30. This will be answer of this question. Again, I am explaining this question. Question will be 362. For three digits, फॉर्मूला विल बी ए स्क्वायर सेकेंड कॉलम ब्लैंक छोड़ेंगे बी स्क्वायर थर्ड कॉलम ब्लैंक छोड़ेंगे सी स्क्वायर नाउ टू ए बी फोर्थ कॉलम में टू बी सी एंड एट द थर्ड कॉलम टू ए सी नंबर फॉर्मूला विल बी रेडी एंड पुट द वैल्यूज एंड वी गेट द आंसर अदर क्वेश्चन यू डू एट योर होम आई एम एक्सप्लेनिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड क्वेश्चन नंबर 20 बिकॉज दिस क्वेश्चन हैव फोर डिजिट्स Okay, this question have four digits, so I am explaining this question on the blackboard. Question number 20. Look here, children. Question number 20. 20 question will be 2, 4, 5, 6. 2, 4, 5 and 6. Put here A, B, C and D. Write formula first of all. Make 7 columns. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 columns. Okay. Now formula will be, आपने 3 digits का formula run किया, उसमें first, second और third column as it is put कर दीजिए. A square, second column क्या था? 2AB, third column B square plus 2AC. अब इन 3 columns के according, we will write other columns. How? Look here. इस कॉलम को ब्लैंक छोड़ेंगे सी स्क्वायर फिर इस कॉलम को ब्लैंक छोड़ेंगे एंड डी स्क्वायर राइट
यहाँ पर आपके पास 2AB, AB आ गया, बचा क्या आपके पास, AB आ चुका है, अब बचा CD, इस कॉलम में 2CD राइट कीजिए, इस कॉलम को देखिए, बी स्क्वायर आ गया, सी स्क्वायर हमने लिखा है, प्लस इसमें भी प्लस है, ए एंड सी आया है, तो अब क्या बचा आपके पास, ए आ गया और सी आ गया, तो BD बचा ना, तो 2BD और मिडिल कॉलम में आपको लिखना है 2AD, AD प्लस प्लस 2B and C, ओके, BC, अब पुट करेंगे हम वैल्यूज, ए की वैल्यू क्या है, 2 का स्क्वायर 2 इंटू ए है आपके पास 2, बी है 4 ऑब्लिक 4 का स्क्वायर प्लस 2, ए की वैल्यू आपके पास है 2, सी की वैल्यू है 5, 2 इंटू ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू आपके पास क्या है 6 प्लस 2 इंटू बी की वैल्यू क्या है आपके पास 4 एंड सी की वैल्यू है आपके पास 5, फिर ये वाला कॉलम देखो, फिफ्थ कॉलम, सी स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 2, बी क्या है आपके पास 4 इंटू डी है, डी आपके पास है 6, आई एम राइटिंग हियर नाउ, सिक्स्थ कॉलम 2 इंटू सी, सी आपके पास है 5 इंटू डी आपके पास है 6 ऑब्लिक डी का स्क्वायर, नाउ मल्टीप्लाई बोथ द डिजिट्स एंड एक्सप्लेन दीज, 2 का स्क्वायर 4 ऑब्लिक 4 टू ज 8, 8 टू ज 16 ऑब्लिक 4 ज 16 प्लस 5 टू ज 10, 10 टू ज 20 ऑब्लिक 2 टू ज 4, 6 4 6 ज 24 प्लस 4 टू ज 8 है ना, और 8 5 ज 40 प्लस 25 प्लस 4 टू ज 8 और 8 6 ज 48 ऑब्लिक 6 5 जा 30, 2 जा 60 ऑब्लिक 6 का स्क्वायर, ये डी का स्क्वायर क्या होगा, 6 का स्क्वायर दिस इज 36, नाउ ऐड फर्स्ट ऑफ ऑल 0 4 16, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा देखो 36 राइट, और यहाँ आ जाएगा आपके पास 4 64, ओके, यहाँ आया आपके पास 73, 8 5 13 का 3 कैरी 1 और 60 और ये 36, नाउ आंसर एंड द आंसर 6 हियर 3 6 3 9 7 4 11 का 1 कैरी 1 आया आपके पास 7 13 का 3 कैरी 1 4 और 6 10 का 0 फिर कैरी 1 आया 6 4 5 4 5 एंड 1 6 सो आंसर विल बी 6031936. If you learn this formula properly, then you can done this question very easily. Okay. Okay. Again, I'm explaining this formula: a square oblique 2ab oblique b square plus 2ac oblique 2AD plus 2BC oblique C square plus 2BD oblique 2CD and oblique D square and put the values. You will be find your answer very easily. Now I am explaining question number 22. Question number 22. Look children, question number 22. Question number 22. In this question, we will find cube. What we will find? We will find cube by Nikhilam method. Nikhilam method. ठीक है. इसके लिए भी हमारे पास formula है. The question will be 97. First of all, we will write our formula and let base. What is the base? Base is 100 because 97 is near to 100. Write the formula. Formula will be number. Plus Devi. ठीक है ना? इसको multiply करेंगे 2. This is our first column. Oblique 3 into Devi ka square. ऑब्लिक डेवी का क्यूब. अब डेवी क्या होता है बेटा?
वही जो परम मित्र नंबर होता है वही डेवी होता है। तो इधर बेस हमने 100 लिया तो डेवी या परम मित्र नंबर क्या हो जाएगा इसका 03। वाई वी राइट 03 अगेन आई एम टेलिंग यू 100 हैव टू जीरो सो आई एम राइटिंग डेवी इधर 03। नाउ पुट द वैल्यू नंबर इज गिवन 97 प्लस डेवी विल बी माइनस 03 इंटू 2 ऑब्लिक 3 इंटू माइनस 03 का स्क्वायर एंड ऑब्लिक माइनस 03 का क्यूबिक 97 माइनस 3 टू 6 तो माइनस 6 आंसर विल बी 91 ऑब्लिक 3 इंटू 3 3 9 ऑब्लिक 27 माइनस का आएगा देखो 3 इंटू 3 इंटू 3 ऑल है माइनस जीरो सो आंसर विल बी माइनस 27। ओके सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्दर 3 9 जा 27 क्या आएगा आंसर ऑब्लिक 3 9 जा 27 ऑब्लिक माइनस का 27। नाउ व्हाट विल बी डन क्वेश्चन नंबर 22 व्हाट विल बी डन देखिए 91 ऑब्लिक अब आपको क्या करना पड़ेगा यहां से वी हैव टू टेक कैरी फ्रॉम 27 27 को लेस करना है तो हाउ मच वी टेक कैरी 3 ऑब्लिक माइनस 27। देखो अब इसको सॉल्व करते हैं यहां 91 आपने 27 में से 3 कैरी कर दिया आपके पास कितना बच गया ऑब्लिक 24 कैरी आया आपने कितना लिया 3 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 क्योंकि बेस 100 है हमारे पास 100 हो जाएगा ठीक है 3 इंटू 100 माइनस 27 अरे यार जस्ट अ मिनट वन कैरी लोगे ना सॉरी चिल्ड्रन वी शुड टेक वन कैरी ओके तो 91 माइनस 26 एंड 1 × 100 माइनस 27 आई थॉट बेस इज 10 सो आई एम टेकिंग कैरी 3 बट हियर बेस इज 100 सो वी हैव टू कैरी ओनली 1 91 26 100 में से आपने 27 को लेस करना है यू हैव टू 73 26 91 दिस विल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्लियर ठीक है वन मोर क्वेश्चन वी हैव टू डन दिस इज सफिशियंट फॉर टुडे सो वी विल डू अदर क्वेश्चन टुमोरो ओके थैंक यू चिल्ड्रन